नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। जमशेदपुर के सोनारी स्थित रॉकी मैदान में दुर्गा पूजा एवं काली पूजा कमेटी सरकार के गाइडलाइन से हटकर 26 फीट ऊंची मां दुर्गा की मूर्ति का निर्माण कराने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन, पूजा कमेटी और संस्थापक अस्तित्व मोइत्रा के खिलाफ सख्ती बरतने को तैयार है। वैसे उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा कि इस समस्या का समाधान के लिए उच्च अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। जानकारी के अनुसार इस मूर्ति का निर्माण संस्थापक असित मोइत्रा ने जुलाई माह से ही अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए निर्माण कार्य शुरू करा दिया था। इसकी जानकारी जब कुछ दिन पूर्व जिला प्रशासन को हुई तो मूर्ति निर्माण पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी की, जिसके बाद से पूजा कमेटी असमंजस में आ गई है। इसको लेकर शहर की पूजा कमेटियों में दो फांक भी हो गया। कुछ कमेटियां पूजा को सफल बनाने का प्रयास में जुट गई है तो कुछ कमेटियां गाइडलाइन के तहत पूजा करने की बात कह रहे हैं। वहीं जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने इस विवादित मामले को लेकर कहा कि प्रशासन की ओर से पूर्व में ही पूजा कमेटियों और मूर्तिकारों को यह सूचना दे दी गई थी कि पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी 5 फीट तक की मूर्तियों को ही पूजा पंडाल में रखने की अनुमति दी जाएगी। बावजूद इस पूजा कमेटी के द्वारा 26 फीट से ज़्यादा ऊंचाई की मूर्तियां मन्नत रखने का हवाला देते हुए निर्माण करा रही है, जो विवाद उत्पन्न कराने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस मसले को सुलझाने के लिए जिला प्रशासन उच्च अधिकारियों से वार्ता कर रही है, लेकिन फिलहाल पूजा कमेटी के लिए कमेटी 5 फीट की मूर्ति रखकर ही पूजा करें, अन्यथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गाइडलाइन के विरुद्ध कार्य करने के खिलाफ विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। सबसे पहले बात यह है कि इस मूर्ति का निर्माण जो है 28 फीट की माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण जुलाई से ही आरंभ हो चुका था, जिसकी जानकारी पूजा कमेटी के किसी भी पदाधिकारी एवं सदस्य को संस्थापक द्वारा नहीं दी गई। और इतने बड़े मूर्ति का निर्माण करा दिया गया जिसे कोरोना गाइडलाइन के जो है खिलाफ बतलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने कहा है कि 5 फीट की जो है मूर्ति जो है इस बार अलाव है, लेकिन हमारे जो संस्थापक हैं असित मोइत्रा जी, उन्होंने इसकी जानकारी किसी को भी देना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन अब जो है माँ दुर्गा की प्रतिमा अब पूरी बन चुकी है, तो हम लोग जो है जिला प्रशासन से बात करके हम लोग बीच का कोई रास्ता निकालने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ताकि हिंदू भावना को ठेस ना पहुँचे। जो है कोविड का गाइडलाइन आपको पता है और उस गाइडलाइन के अनुसार भी आपको काम करना है। जो बातें आई हैं, जो हम लोग की थाना स्तर पर बैठक हुई है पूजा कमेटी के साथ में, उसमें आया कि इनके द्वारा कोई मन्नत मांगी गई थी और उस मन्नत के कारण जो है वो मूर्ति इतनी बड़ी बना दिए हैं। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कोविड के नियमों के प्रावधानों के अगेंस्ट है। इसके लिए हम लोग नोटिस भी दिए हैं इनको और हम लोग के ऊपर के स्तर के लोगों से बातचीत भी हो रही है और इस पे यथासंभव जो कानूनी निर्णय होगा वो हम लोग करेंगे और उसके बारे में आप लोगों को भी बता देंगे। पर अभी आपदा प्रबंधन के जो ये गाइडलाइन है इसका ये 100% वायलेशन है और इसको हम लोगों ने पूजा कमेटियों को स्टार्टिंग में ही पहले ही बता रखा था, तो ये भी वायलेशन है सर। जो है और आपको भी पता है कि ये कोविड का जो खतरा है वो टला नहीं है। पिछले बार की तरह इस बार भी जो समस्त त्यौहार है वो हम लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अनुसार ही मनाए थे और सभी लोगों को क्लियर था कि मोरलेस गाइडलाइन क्या आना है। और जबकि हम लोगों को खबर मिली थी कोविड गाइडलाइन आने के पहले भी, तब भी हम लोगों ने स्थानीय थाना को भेज के उनको ये इन्फॉर्म करा दिया था कि कोई भी व्यक्ति जो है मूर्ति बड़ी नहीं बनाए। इनफैक्ट हम लोग जो मूर्ति बनाने वाले लोग हैं उनके पास भी लोगों को भेज के ये बता दिए थे कि भाई जो गाइडलाइन आनी है मोरलेस पिछले बार की गाइडलाइन के अनुरूप ही आएगी, थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। तो उसके बाद भी अगर ये करता है तो ये सरासर एक फॉल्ट वाली पोजीशन है और उसके बाद फिर अननेसेसरी के इसमें विवाद क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये समिति को समझना पड़ेगा कि ये उनकी नहीं पूरे शहर की पूरे जिले की भलाई के लिए ये पर्टिकुलर चीज किया जा रहा है। छोटे मोटे हम लोगों को अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए पूरे शहर के लोगों को, पूरे शहर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको खतरे में नहीं डालना चाहिए। इतना सेंसिबल और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोग वो सबों से एक्सपेक्ट करते हैं, स्पेशली जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे हम लोग ये और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं और मुझे यकीन है कि वो हम लोग कोऑपरेशन करेंगे। और अगर कोऑपरेशन हम लोगों को नहीं मिलता है तो हमारे समस्त जो विसम्मत कार्रवाई होगी हम लोग उसको करने के लिए बात करेंगे। सर बीच का रास्ता क्या है, क्योंकि जब तक निर्णय आएगा तब तक उनकी मूर्तियां अधूरी रह जाएगी और पूजा भी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये हम लोगों ने आज भी उनसे बात किया है और पूजा कमेटी के लोगों से बात किया है कि आपको पता है कि 5 फीट की जो मूर्ति है वो
इस पर्टिकुलर चीज के लिए अलाउड है। बहुत सारे पंडाल ये भी करते थे कि वो पहले छोटी मूर्तियां विसर्जित करते थे, बाकी सारी चीजें करते थे, तो उनको आज के दिन में यही करना चाहिए कि ऑलरेडी बहुत रेडीमेड मूर्तियां अवेलेबल हैं, उस पर्टिकुलर मूर्तियों को आप यूटिलाइज करें और इसका एक बीच का रास्ता जो है हम लोग बाकी और बैठ करके बात करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि हर अथॉरिटी से भी इस संबंध में मेरी बात हो रही है और इसका जैसे सॉल्यूशन निकलता है या आगे की डिस्कशन होती है तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।